अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम से सर, आप इस वक्त मैं आपकी सूचना ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस में बैठा जी। मुझे बहुत सारे सोर्सेज से पता चला कि आप डिस्ट्रिक्ट अखाड़ा में बिलखसूस और बिल अमाउंट पर आप दाखिल देने में काम करती है। आप अपना पहले इंट्रोडक्शन नेम के साथ मुख्तसर सर, फिर आगे मैं आपके साथ जिब्राइल यासीन अवैसी मेरा नाम है जी, और अल निसा वेलफेयर सोसाइटी का मैं सीईओ हूँ। तो आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप जैसे जो है अजीम इंसान से मेरी मुलाकात आज हुई है, और कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आप जैसे अजीम इंसान मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अल निसा वेलफेयर सोसाइटी 2002 से ये रजिस्टर्ड है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। अल निसा वेलफेयर सोसाइटी अल निसा से ही आपको इस नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारा मकसद जो है वो स्पेसिफिक खवातीन के राइट्स पे काम करना है, खवातीन के एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, जिसमें हम जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काम कर रहे हैं, और चाइल्ड अब्यूज़ पे भी हम काम कर रहे हैं, और कम उम्र की शादी पे। हमारा मकसद जो है कि इस अम्ब्रेला के नीचे ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट उखाड़ा में 11 स्किल्स के इदारे चल रहे हैं, जिनमें से जिनसे ख़वातीन जो है वो स्किल सीखें और वो अपना रोज़गार जो है सेल्फ रोज़गार जो है वो चलाएँ, वो किसी के मोहताज ना हों और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो। ये हमारा एम है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कई सैकड़ों ख़वातीन यूथ जो है यंग लड़कियां जो बैकवर्ड एरियाज की हैं और पढ़ी लिखी हैं, वो फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करके और ब्यूटिशन के कोर्सेज करके वो फारिग होकर वो अपना अपना काम चला रहे हैं। तो ये तो बताइए ज़रा, बताते हुए ज़रा, आप शादीशुदा? नहीं, ख़वातीन की पावर के लिए शादीशुदा होना ज़रूरी नहीं है। इंसान करना कि आपकी अगर शादी हुई होती तो उस बीवी को कितना एम्पावर होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि औरत जो है मर्द माशरा पैदा नहीं करता, औरत माशरा पैदा करती है। तो औरत को ज़िंदगी में कभी एक तो हारना नहीं चाहिए, औरत हर मैदान में उसको इतना प्रमोट और प्रोटोकॉल देना चाहिए कि वो हर पोजीशन में विनिंग पोजीशन पे हो, क्योंकि अगर वो विन होगी, अगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी और वो एम्पावर होगी, तो वो एक घर नहीं एम्पावर होगा बल्कि वो एक माशरा एम्पावर करेगी, और वो एक माशरा एम्पावर नहीं करेगी बल्कि वो पाकिस्तान एम्पावर करेगी। सर, एक इंटरव्यू आपका करूँ आपकी शादी के बाद, यही बात है मेरा। इंशाल्लाह अल्लाह मेरी और आपकी ज़िंदगी रखे, तो इंशाल्लाह जी ज़रूर से ज़रूर। कब आ रही है? इंशाल्लाह जी जब अल्लाह को ज़रूर, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा से पता भी नहीं है। ये बताएं कि यंग एज में अक्सर कहता है कि लड़के लड़कियाँ इतना इमोशनल हो जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कभी किसी ने नॉक किया कोई इस तरह की इमोशनल? बड़ा मुश्किल सवाल है। तो इसमें यह है कि ये तो सर ज़िंदगी का जो है वो जो सवाल और ठोकरें और हर्ट होना और इमोशंस को टच करना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इसमें हम एक दिन आए हैं। अच्छा, आप साइड से गुजर जाते हैं? साइड से गुजर गए। अच्छा, आप ये बताएं आपकी प्रोफेशन, आप कह रहे हैं कि आप बिजनेस में एम बी ए सोशल मीडिया करते हैं, मैं जो अपनी आइडेंटिटी जो है वो मैं इसी ही काम को समझता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। अभी आप अपने जैसे यंग लोगों को तो मैसेज देना चाहिए, और आपके शब्द बताता चलूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है जी, ये मैं उसमें भी करूँगा ताकि आपका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज दीजिए। मैं मैसेज जो मेरा है शॉर्टली, मैं अक्सर मैसेज देता हूँ कि देखें ज़िंदगी जो है ये बड़ी शॉर्ट है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। मैंने पहले भी जिस तरह कहता हूँ कि मेरा जो एक एम है वो ये है कि वो हम तो निकले हैं बाजार मिस्र में कि कहीं यूसुफ मिल जाए, और अगर यूसुफ ना मिले तो यूसुफ खरीदने वाली वो अम्मा मिल जाए।
ताकि हमारी ज़िंदगी का जो एम है वो कहीं ना कहीं पर हमारा एक किसी की फलाह की हुई, किसी एक इंसान की गई फलाह, किसी एक इंसान को दिया गया अच्छा मशवरा, वो भी आपकी ज़िंदगी संवारने का और अगली राह जो है वो संवारने का जो है वो सबब बन सकता है। तो ज़िंदगियां हम गुजार चुके हैं, ये ज़िंदगी जो है ये बिल्कुल शॉर्ट है। तो मैं यूथ को ज़रूर ये मैसेज देता हूँ कि इस ज़िंदगी में कोई एक काम ऐसा करें कि आपको ज़िंदगी में याद रखा जाए, और वो याद अच्छे लफ्ज़ों में रखा जाए। हज़रत अली का फरमान है ना कि अपने लिए सब जीते हैं, और असल ज़िंदगी यही है कि आप इंसानियत के लिए जिए, इंसानियत के तकद्दस के लिए जिए, यही ज़िंदगी है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, ये एक फरमान है लेकिन ज़िंदगी नहीं है, ये फरमान है ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का मकसद इंसानियत है, और वो हर मज़हब का है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कब, आपकी शादी के बाद। थैंक यू।